दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजन शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मिनट की डिक्टेशन, जिसमें कुल 400 शब्द हैं और जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपके सामने एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, कृपया डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी महोदय, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही एक देश एक विधान का वह सपना साकार हुआ जो लंबे अरसे से देखा जा रहा था, लेकिन यह सपना सही तरह से तब पूरा होगा जब गुलाम कश्मीर भी भारत भूमि का हिस्सा बनेगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर प्रत्येक भारतीय के मन की व्यथा को कुरेदा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कसक उनके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात राजौरी में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते समय कही। राजौरी के उत्तर में ही पुंछ है। सन 1947 में हमारी सेनाओं ने पुंछ कस्बे को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन युद्ध विराम की जल्दी में पूरे जिले को मुक्त नहीं कराया जा सका। हमारे तत्कालीन शासकों ने भागते हुए कबायलियों का पीछा कर रही भारतीय सेना को उड़ी में ही रोक दिया, जबकि मुजफ्फराबाद का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था। पैराग्राफ महोदय, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के साथ उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण का विकराल रूप यही बता रहा है कि उस पर नियंत्रण पाने के दावे थोते साबित हुए हैं, क्योंकि जिन पर भी वायुमंडल को दूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी है उन्होंने कुछ न करना ही बेहतर समझा। यह देखना दयनीय है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें और उनकी तमाम एजेंसियों के साथ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक प्रदूषण पर लगाम लगाने के जतन करते रहे, लेकिन सबको नाकामी ही मिली। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके मूल कारणों को समझने और उनका निवारण करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। ऐसा तब है जब बीते करीब एक दशक से वायु प्रदूषण एक खतरे के रूप में चित्रित हो रहा है। यह शासन व्यवस्था की नाकामी का नमूना ही है कि वायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियों में ही की जाती है। क्या शेष समय उत्तर भारत का वायुमंडल साफ सुथरा रहता है? जो भी हो, तमाम कवायद के बाद भी वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक तरह से जीने के अधिकार पर
आघात ही है। पैराग्राफ, जब हरियाणा और पंजाब के साथ देश के अन्य कुछ हिस्सों में फसलों के अवशेष जलाए जाने लगते हैं तब इसकी चिंता की जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक इस सवाल की तह तक जाने की दिखावटी कोशिश होती है तब तक फसलों के बचे अवशेष भी जलाए जाने लगते हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों ये थी हमारी 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।